जन्म है स्वर्ग, स्त्री और मत। और उस समय में नारद जी से और भी हमको अभिशाप प्राप्त है, आज मैं कोटि कोटि अनंत कोटि वर्ष तक तपस्या करके जो फल नहीं पाता आज आपके स्पर्श से मुझे मिले। जन्म जहां भी हमारा हो भक्तों का धर्म हो और उनके मुख से हम आपकी कथाओं को ऐसे मिला और हाथ जो करके और जो करके उत्तर दिशा में कृष्ण ने क्या किया कहा कुछ नहीं किंतु कितने भी तरह पर की बात है क्या किया की बात करके उनको तो उस जोनी से उद्धार किया ही संपात भी दूर कर दिया और उनको गोलोक वृंदावन के खास महल में अपना पूर्ण सखा बनाया। कैसा सखा बनाया क्योंकि उनका नाम रख दिया स्निग्ध कंठ और मधुमति जो नंद बाबा के और गोपियों की राजसभाओं में वो कृष्ण और गोपियों की ये सब कथाओं को कहते कथा वाचक के रूप में वो कथा वाचक हो गए कहा गुरु वृंदावन वृंदावन में और नंद की सभा ने मधुकंठ और स्निग्ध कंठ गोपियों की सभा ने कृष्ण की कथाओं का ये लोग वर्णन करते हैं। इस पद को पा दिया नारद जी के क्रोधपूर्वक अभिशम पात से देखो तो ऐसे ही भक्तों का संग विफल नहीं जाता। क्रोध करके शासन कर लेंगे तो उनका क्रोध का कारण होता है अनर्थों से ये रहित हो और इनको शुद्ध भक्ति मिले। किंतु कभी कभी हम नहीं समझ पाए किंतु फल तो उसका कुछ होगा ही आज नहीं तो कल होगा। किंतु यदि साधक यदि अपराध करे उनके प्रति तब तो वो कृपा नहीं पाएगा उसका दान उसका अधिकारी कृपा करेगा तब तक फिर उसका बड़ा सारी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कृपा वहां पर नारद जी तो एकदम परम सिद्ध में सिद्ध के परम सिद्ध है ना उनकी कृपा भगवान की कृपा बराबर है कभी कभी भगवान की कृपा से भी बल्कि उनकी कृपा दो। किंतु यहाँ पर साधक जो गुरु है मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी चाहिए यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं इसलिए यहाँ पर महापराध हो जाता है इसलिए खूब बच करके रहना चाहिए। इसलिए गुरु की कृपा को भी हम अपने ऊपर उनकी कृपा इधर क्या हुआ इधर से ये हुआ बच्चे सब लोग देख करके सहम गए और इतने में नंद बाबा स्नान करने के लिए ब्रह्मांड गाट कर रहे पेड़ों की गिरने की आवाज सुन करके क्या हुआ आवाज की तरफ में चले और वहां पर ऊपर इधर जसोदा मैया ने देखा अरे पेट गिरा कहां हुआ जब पासी में बगल में कहीं हमारा बच्चा देखा अरे बच्चा तो वहां है ही नहीं वो लड़के भी नहीं है तो रास्ते के दरवाजे से ही निकलेंगे और दरवाजे के पास में फिर चुके हैं वो भी एकदम गरीब हुई वहां पर कितनी कितनी महिलाएं थी सब पहुंचे बड़े पहुंचे लूट कर लोग थे सभी लोग पहुंच गए नंद बाबा वहां कृष्ण अब तक चुप थे शांत थे उनके आंसू सुख गए थे किंतु जब नंद बाबा आए निकट में देख करके फफन फपक करके अब तो बड़े जोर से लंबी लंबी सांस किस लिए यदि दो बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाए वो उसको मार रहा है उसको मार रहा है और एक बलवान लड़के ने छोटे बच्चे को जरा दो थप्पड़ लगा दिया तो उस समय नहीं रहेगा किंतु उसी समय भैया ने अरे क्या हुआ तो क्या करेगा वो रुके जिसने मारा है उसकी भैया भी आ जाए क्या हुआ तो क्या कर दो वो भी भैया को देकर के पास देकर के ऐसा ही होता है। जहां नंद बाबा जी आए और गरीब में आ रही पीड़ गिर गए हैं आज के ऋषि है गिरते तो क्या होता आज के यदि सीधा तो पेड़ ताले की हो तो की हो तो ताले और सब चले यदि एक 50 लाख के लिए तो क्या होता नंद बाबा दौड़ करके गए
और रोते हुए कृष्ण को अपनी गोदी में बैठा दिया भाई। और बड़े लाड से आते पूछना, बेटा बेटा रो मत, बतलाओ तो किससे बात है, कौन बात है, के बात बतवाने हर बात पूछे। कृष्ण रो रहे हैं खूब जोर से, किंतु शिक्षक ने जरा थोड़ा सा कम हुआ तो कहना चाहते हैं कि मैया ने बांधा कि तुम डर के मारे उनके मुख से ये नहीं निकलता कि मैया ने नहीं बतला सके। हाँ, अपने पॉकेट से नंद बाबा ने एक लड्डू निकाला और लड्डू निकाल करके कृष्ण शिक्षक ने भी बालक को हाथ दे दिया। जितना बालक रो रहा हो, छोटा सा बच्चा, कोई खिलौना हो और कोई खाने की चीज हो, तो बस रोते हुए भी हंसने लगेगा, मुस्कुराने लग जाएगा, रुलाई बंद हो। इसलिए नष्ट भाव उसके पिताजी ने स्नेह से लड्डू निकाल करके उनको दिया। कृष्ण लेकर के किस खुशी सकते हैं, अभी रोना बंद, नंद बाबा ने बतलाओ तो कौन बना, कौन बना। अंत में उनके कान में ये बताया मैया, और मैया उस समय कहाँ है, जयदूत खड़ी है और महिलाएं भी दूर खड़ी है, जो सुधा जी काटे कटे हुए वृक्ष की भांति है, मतलब एकदम सूखे हुए वृक्ष की तरह है, न रो पाती है, न कुछ कह पाती है, न निकट में आ पाती, निकट से आ सकता है, कान से पा क्या ना हमारे एक भयंकर मूल्य द्वारा आज के यही अवस्था, यदि मोरे जितु ताले की हो तो क्या होता। इसलिए वही पर खड़ी है चुपचाप सूखे हुए पेड़ बाबा ने कहा कौन मारा तो कौन बांधा, बड़ी निष्ठुर, मैं तो नहीं जानते था कितनी निष्ठुर है। अच्छा वस्त्रों में एकदम फर्क है, किंतु ऊपर से कुछ काम नहीं देखा, वहीं से सिंखी नजर से यशोदा जी ने भी देखा और भी उनका नंद बाबा ने किया क्या जब तो खोले, और बड़ी मुश्किल से करते 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 बच्चों से पूछा अरे ये पेड़ कैसे गिरे, पेड़ कैसा गिरे, बाबा 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 तुतला के निकलने लगे। वो कृष्ण ने उखल लगाया उखल और फिर पे 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 गिर गए, और फिर उसमें से दो 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 देवता निकले, देवता निकले और उन्होंने कपाई को पप्पा परिक्रमा किया और पप्पा परिक्रमा करके उसको हाथ जोड़ते से कुछ कहा और फिर वो उत्तर इधर से चले। बाबा नहीं ये कभी हो नहीं सकता, जैसा नहीं होता कृष्ण के खींचने से ये पेड़ निकले और सुने से देवता निकल कर इसकी सौ करेंगे छोटे से बालक की। उन्होंने विश्वास नहीं किया, सोचा कि कंस के किसी दुष्ट अस्तुप ने ऐसा किया, किसी कंस के चरने कंस ने आदेश दिया होगा, वो पेड़ के अंदर में समा हो गया होगा और उसके वजह से ऐसा हुआ, अन्यथा ऐसा होना असंभव है। कृष्ण बड़े क्रोध में तम तमा गए यशोदा जी, कुछ कहा नहीं, बड़े गंभीर है ना, साधारण आदमी नहीं है कृष्ण के पिताजी, है बड़े गंभीर। उन्होंने बाएं कंधे दाहिने कंधे पर बलदेव जी को या बाएं गोदी में दाहिने गोदी में बलदेव जी को और बाएं गोदी में कृष्ण को कन्हैया को बैठा है और दोनों को बैठा करके वहीं से थोड़ी दूर पर है ब्रह्मांड घाट में गए, बच्चों को स्नान कराया, जितने वो कालिखा आंखों का काजल लग गया था मलमल करके धोया और उनको स्नान कराया और स्नान करके अपने भी स्नान किए और तब तक कितना बच गया
बारह एक बन गया। कृष्ण ने भी कुछ नहीं खाया, नंद बाबा ने भी कुछ नहीं खाया, आज सवेरे चाहते रहवा भी नहीं हुआ। उनको स्नान करा करके घर में ले आए। क्या किया कृष्ण को देखा जी बहुत भूखा है, बोल गए गाय के निकट में गए और गाय का दूध वो सबसे उनके मुंह घुटने लगाया और मिश्री पॉकेट से निकाल से धार उष्ण मिश्री के साथ पेट भर करके दोनों बच्चों को एक गैया कितनी 40 किलो अभी हॉलैंड में दूध देती और कृष्ण की गैया कितनी देती होगी 40 किलो का कितना 40 किलो दूध से कृष्ण का और बलदेव जी का पेट भर करके यहां पर आए। आज किसी को सांस नहीं हुआ, घर में रसोई नहीं बनी, बड़ी मस्ती थी। और थोड़ी देर में थोड़ा सा कुछ बनाया किसी ने और नंद बाबा ने कृष्ण को कुछ खुला दिया या अपने थोड़ा सा ग्रहण करके कुछ नहीं जा किसी से बोले नहीं, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। इतने में शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उपानंद जी देवशाली जी नंद बाबा की भी मैया के समान और रोहिणी मैया और दूसरी दूसरी महिलाएं वहां पर उपस्थित थी। बलदेव जी को सिखलाया अरे सब उसको पकड़ता था तो बाबा की गोदी में बैठा है वहां पर। जब दाऊ जी जब गए कृष्ण को पकड़ा था, कृष्ण ने ऐसा उसको थक्का दिया जो और दिन में ऐसा नहीं। बलदेव जी देखते रह गए आप बन जाए सब किसी ने कहा अरे बेटा भैया इतनी घूम रही है चलो भैया के पास जो हूं नहीं। नंद बाबा ने कहा भैया के पास जाएगा उन्होंने भी कहा उनको भी दया आ गई। जिसके अभी तक खाया भी शाम हो गई जिसकी मैया भी मर नहीं जाए इसलिए उन्होंने समझा रणी मैया ने क्या उपानंद की पत्नी ने इनकी इनकी क्या है कृष्ण की बड़ी मैया कहा सारे बेटा जाएगा नहीं किसके साथ में खेलेगा तो पिताजी और भैया के साथ। रोहिणी मैया ने उनको बुलाया कृष्ण को अरे बेटा आ जा। तो वो आज क्रोधित होकर के बोले मैया आज रोहिणी मैया मैया ने करा तो तू कहां उस समय तो ठीक नहीं उस समय नहीं थी कहां थी उपानंद के घर अब तेरे साथ भी नहीं हो उनके गोदी में नहीं। तब उपानंद की पत्नी उसे कहा अरे खाएगा क्या तो पिताजी हमको दूध और मिश्री की सोएगा कहा आज तक तो अकेले नहीं सोया मैया की गोदी में सोया अब कहां सोएगा तो बाबा की गोद में नहीं सोना नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। उस समय में शायद नंद बाबा ने कहा या उपानंद की पत्नी ने कहा यदि तेरी मैया जय श्री राम मर जाए तो ऐसे मर नहीं जैसे नौ मरते तो बस सुना कि मैया मर जाएगी मेरे बस अब रहा नहीं गया हाथ प्रसाद किया मैया मैया का। जब उस समय रोने लगे तो रोई मैया और सब महिलाएं रोने लगी नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए सब समाज सब रोने लगा। उस समय में रोहिणी जी कृष्ण को गोदी में लेकर कृष्ण ऐसे उनकी गोदी में चले और लेकर के जान यशोदा जी अभी रो नहीं पा रहे सुख है बेकार की तरफ में प्राण का संचार नहीं हो रहा उनकी गोदी में बैठा। जब गोदी में बैठा दिया तो एकदम लावा जैसा था लावा बड़े पर्वत से जैसे लावा फूटता है ना उसी प्रकार से आप रो बेटा 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 और कृष्ण क्या करने लगे वो भी भैया भैया का करने लगे। बड़ी कष्ट से उन्होंने अपना स्तन दिया कृष्ण से सत्य में धीरे धीरे दूध पीने लगे और धीरे धीरे मैया का ये भी शांत जब धीरे धीरे होने लगा
अब तक रसोई नहीं बनी, अब थोड़े रोहिणी भैया ने रसोई की व्यवस्था। नंद बाबा को बुलाया गया, वो आए, कृष्ण और बलदेव दोनों बैठे थे। जब रसोई सामने आई तो कृष्ण को खिलाया और बलदेव जी को खिलाया, और कृष्ण को कहा पकड़ना मैया, मैया ने पकड़ लिया। कृष्ण गए और अपनी मैया का आसन पकड़ सके। उस समय कैसी करुण दशा होगी, यशोदा जी अपने आंखों को आंसू को फिर संभाल बैठे करके नंद बाबा ने नीचे नजर करते हुए कहा, तुम नहीं खाएगी तो हम कैसे नहीं खाएगी तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए ना बच्चों को, ये बच्चे हैं। मैं तो जानता हूँ तुम ही निष्ठुर नहीं है, अब ऐसा सुन करके उनके कलेजे में कैसा लगा होगा। एक नंदा कृष्ण ऋषि के द्वारा ब्रज का भाव होता है, और दूसरा लाख चर्चा करो, लाख तपस्या करो, पैदी भक्ति भी करो और भी कुछ करो, नहीं यशोदा मैया के अनुगत में कोटि कोटि वर्ष होता था, ऐसा अंतराल पूर्वक उनके अनुगत में उनके भाव के लोक से यदि भजन किया जाए तो यशोदा मैया का भाव हमारे हृदय में आकर्षित होगा। और यदि गोपियों का पाना चाहते हो तो क्या होगा, सुर्खियों ने जो किया, दंडकारण्य निवासियों ने जो किया, जौतिकी ने जो किया, ये तो लक्ष्मी को भी नहीं होगा, जगह पत्नियों को भी नहीं हुआ, पीछे जन्मों ने कुछ हुआ होगा, किया कहीं पर नहीं कर सकते, किंतु कुछ जन्म में। इसलिए गोपियों के लिए ये महाप्रभु जी ने स्वयं रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को बताया, यह भाव बहुत ही दूर है। यहां तक कि सख और वात्सल्य अगोचर, सख और वात्सल्य के लिए भी अगोचर भाव नहीं, केवल मात्र गोपियों के अनुगत में भजन करने से उन्हीं की कृपा से ये भाव हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए इतना दुर्लभ ये चीज, और हम लोग भी पावन होकर के चांद के समान इसको देखने की पाने के लिए लालसा कर रहे हैं, तो है बड़ा दुख। इसलिए कठोर साधन भी है, एक पैसे के लिए थोड़ा सा परिश्रम कर दो हो जाएगा, और चिंतामणि करने, चिंतामणि पाने के लिए वो सच से नहीं होगा, ये चिंतामणि का भी चिंतामणि का। इस तरह से फिर नंद बाबा ने यशोदा मैया ने रोहिणी मैया को कहा, ये खा लेता हूं शिष्ट पाएंगे। इसके बाद उन्होंने भी नंद बाबा ने पाया, बच्चों को खिलाया, फिर यशोदा मैया ने रोहिणी मैया लेकर के आई, यशोदा को खिलाई, सब गोपियों को खिलाई, सब लोगों को खिलाई। इसके बाद में कृष्ण को गोदी में लेकर के तब तक रात हो गई, अब समय हो गया, इसी समय में कृष्ण को गोदी में लेकर के बड़े मजेदार से उनको सुलाने लगी। कृष्ण कहा, मैया एक कहानी कहो, मैया एक कहानी कहो, तो वो दुलार से कहा। एक रामचंद्र थे, महाराज दशरथ थे, उनके एक पुत्र थे राम, अपने पिता के आदेश से बन में गए, हाँ, और नीति अपल के अपानी हो रही, हाँ, तो वो बन में गए तो उनकी सीता को चोरी कर दिया, चोरी कर लिया लक्ष्मण धन स्लॉ, और ये कर करके जो सो रहे थे वहीं से करके बस धन स्लॉ आगे। इस तरह से लीलाएं सब होती हैं पृथ्वी, लीलाओं का स्मरण, भारी नाम करो और लीलाओं का, तन नाम रूप के दादी सुकृत स्नान प्रवीण रसना मनसी नियोजन तिष्ठन ब्रजे तदान राजी पावन भैर अभिलाम। ये समस्त उपदेशों का सार है, आप लोग लीलाओं का स्मरण करते हुए ब्रज की परिक्रमा करें, मन से स्पर्श कीजिए, शरीर से स्पर्श कीजिए, और वैष्णव के अनुगत में प्रकाश परिक्रमा करके सफल।
आगे भी कर रहा है। कैन यू नाउ स्पीक? Now, Krishna asked his friends to push the mortar so that he was also pushing it and the planning was to go out of courtyard. Krishna is pushing it and at the same time friends are also pushing. There is a door at the courtyard. All that was over. Because Maharaj has been here and he has been here and he has been here. So, when Krishna came out of the door of the courtyard, just after that door, there were two trees, Dhul, Yamal means Dhul, twin tree, and the name of those trees were Arjun, so Yamal Arjun, Yamal Arjun. Krishna very cleverly, or deftly I may call it, he entered from those two trees without touching those trees, and he entered and the mortar, Udukhal, it was also coming along with Krishna. Radha Krishna was dragging them and all his friends were pushing that Udukhal. Udukhal was lying horizontal, so it got stuck in between two trees. Now, Krishna has not touched those trees, neither rope has touched the trees. It is mortar, Udukhal, which has touched that tree. Udukhal is inert otherwise, but Krishna's potency running through that rope went to the Udukhal and those trees received that potency of Krishna, mercy of Krishna. It was indirect mercy of Krishna. The moment those trees received that mercy, there was no storm, there was no rain, but those trees fell down. But they fell down, how did they fell down? Maharaj, I showed you this. They fell down like this and this. Krishna and his friends were in between and they fell down like this. Meanwhile, from those trees to heavenly, demigod-like people, two persons came out. They were the same. And they started praying to Krishna. They took parikrama of Krishna and then they went away. These two persons, Manigreen and Nalkuber, they received negative blessing of Narada. Not positive blessing, negative blessing. They were abusing Naraji, and Naraji then gave a curse and benediction. By the negative mercy, they got such a highly elevated state. What was the state? That Krishna sent them to his transcendental Vrindavan abode, and there they became singers, very, very melodious singers, and singing melody of Krishna. One was singing melody of Krishna in the assembly of Gopi, and one was singing melody of Krishna in the assembly of friends. Madhukans Gopiyon ki or Nanda Baba. Nanda Baba, yeah, friends. In the assembly of Nanda Baba, isn't it Nanda Baba? They were singing the glories of Krishna. Now, Maharaj has stated here very interesting thing. All Vrajavasis' heart is in Krishna. If anything happens in Vraj, everyone runs towards Nanda Baba's house, that whether Krishna is okay. Why? Because they are always scared. They always want that Krishna must be okay. So, when these trees fell down, there was a very, very heavy voice, very large crash of white sound, and all the Vrajavasis, they started running towards Nanda Baba's house.
Nand Baba was going to Brahman Ghat to take bath. When he heard, he also ran towards his courtyard. And Yashoda Ma, when she heard it, oh, she came out of her house, she saw, she found that Krishna was not there, neither his friends were there. She was totally scared. And then she came out of the door. She stood there, but she found that all the two trees fell down and Krishna was there with mortar, bound by mortar. Nand Baba came there. The moment Krishna saw Nand Baba, he started weeping. Bitterly. Why? Maharaj is saying that this is the behavior of a child. If one child beats the other child, that person, the child who is being beaten, he will not weep. The moment his mother will come, he will start weeping. Similarly, Krishna, he stopped weeping. He was laughing with his friends. But the moment he saw Nand Baba, oh, he started weeping bitterly. And Nand Baba when came, he was very much scared and he was stunned. What happened? How come this boy, my such a darling boy, he is gone with this mortar? He took him in his lap. Oh, son, who did it? And son was weeping and sobbing. And very, very hard for him to stop. Then Nand Baba took out one laddu from his pocket and then he gave that laddu to Krishna. Maharaj is again saying the behavior of a child. If he is weeping bitterly, any child if he weeps very bitterly, if you give him a toy or a sweet, he will subdue his weeping and he will start taking that sweet happily. So Krishna tried to pacify his sobbing. And then Nand Baba is again and again asking, who did it? Then he said in the ear of Baba, Maya. Hardly he could say, Maya. And Baba said, yeah, did it? She has become so much cruel, I can't believe. But then he saw that Maya was standing on the door. He just gave him his sidelong glance with some anger. And he did not say anything. Maharaj saying Nand Baba is very stern and grave. He is father of Krishna. So he is very intelligent and sober. He did not say anything to Maya. Then he took Krishna with him. And Baldev also, he took both of them in his lap. On the right side he put Baldev and on the left side he put Krishna. And he just tried to pacify Krishna. Then he took both the children to Brahman Ghat. And there he made them to take bath. And all that sign of tears were there. He washed them and he gave them a good cloth. Then he took them to house back. And then he went to the cow. And there he gave milk to Krishna and Balram. By that time, Maharaj is saying it is about 1 p.m. No, nothing was cooked at home because Yashoda Ma was standing there. She was neither weeping nor saying anything. Like a dry tree, she became quite inert and inactive and non-reactionary. Dharavshan, directly from the udder of the cows, that Nand Baba gave his heart to Krishna. Stream, what you call it, when you just milk it. I can't pronounce it that well. And then, when Krishna drank that milk, he was a little bit pacified. Meanwhile, evening time came, and nothing was cooked at all. All the elderly ladies, wives of Upananda and all, they came. They said, oh Krishna, with whom you will play? He said, I will play with my friend. You will not go to your mother? No. Then Rohini came. Will you not come to me? I am your, you call me Maya? Then he was today angry with Maya also. No. Why will you not come to me?
Where were you when I was crying, Maya and Maya? Balram also came. And they sent Baldev, they called Krishna. Baldev today, first time, he just pushed him so hard that Baldev fell down. Baldev is elder brother of Krishna. But today he was defeated by Krishna. Krishna was so much in anger. Then, someone, probably wife of Upananda or Rani, they said, "Oh Krishna, you will not go to your mother? No. With whom will you sleep?" "I will sleep with my Baba." "And if you will not go to your mother and your mother..." Maharaj says in action, they didn't say that die. It means that if she dies, the moment if she dies, he feels it. Krishna feels it, my mother will die. Then he started crying, "Oh Maya, oh Maya, oh Maya." It was very pathetic thing. Maharaj today added in that composition more. Then Rohini called him. Then he went to the lap of Rohini Maya. And then Rohini Maya gave Krishna in the lap of Yashoda Maya. Yashoda Maya, since the noon, she was quiet. She was like a dry tree. When Krishna came in her lap, she bursted out as if it was a volcano busted out. And she was weeping and weeping bitterly. Krishna is also weeping bitterly. Rohini cooked some food, and it was evening time. And that food was served to Krishna, Balram and Nand Baba. Then Nand Baba asked Krishna, "Krishna, call your mother also? Because since morning she did not take anything. This is love. This is human life pastime. This is Madhurya." And then Krishna went. He called mother. And then Nand Baba said, "Look, why don't you eat? If you want to eat, how can we eat? This is the human life love. And look, after all, these are children. I used to think that you are very tender, you are very soft-hearted. But today, what did you do? I can't believe it." And Nand Baba was very, very pathetic in saying these things. And Yashoda Ma, when she will hear these things, what will be the her state? She was crying, she was weeping. Then she said to Rohini, "Ask them, I will take after their having prasad. I will take their prasad." And it was very, very Hilde Vidara, most pathetic scene. And then Yashoda Ma took Krishna in her lap, went to bed, and wanted to make Krishna sleep. She was saying, "Oh Krishna, sleep. Oh mother, tell me some story." And then mother said, "Okay." She made him lie in her lap, and she wanted him to sleep. There was a king. His name was Dashrath. He had a son, Ram. Krishna is saying, at the same time he is going to sleep. His eyes are becoming heavy. And Yashoda Ma is going on narrating. Then his father sent him to jungle, exile. And they went to exile. There Raman stole their Ram's wife, Sita. Raman stole Ram's wife. Though he was going to sleep, his eyes were becoming heavy. But there was a stimulant in him. He just got up. "Lakshman, bring my arrow and go. I will go." And this thing is happening because finally he is Ram. So such pastimes, we should meditate upon such pastimes. And in the following of devotees who are having such love for Krishna, that is in their calling, in their anubhatya. If we have want vatsalya bhava, and what about gopi bhava? Maharaj is saying, it is very, very difficult. It's not so easy. Life together, thousands of lives together, if we do austerity, but it is very difficult to get. We have to follow in the footstep of gopi. Maharaj is saying, like a dwarf, we want to catch moon. This is our stage. But it can become possible if we try to follow the devotees in that line. One second. Follow.
हरी कथा होगी सगरी जैसा ही होती है। कल कोई प्रोग्राम नहीं है, बाहर का परिक्रमा विश्राम है। और परसों हम लोग सवेरे में अपना सारा सामान ले करके सामान के साथ में सवेरे निकलेंगे और यहाँ से मथुरा में अपना सामान रखेंगे मठ में और रख करके गाड़ी पर चढ़ करके हम लोग हांडी बन जाएंगे, भद्र बन जाएंगे, मांस बन जाएंगे। फिर वहां से वो मानसरोवर जाएंगे, वहां से ब्रह्मांड घाट में जमुना में स्नान करेंगे और वहां से फिर महाबल में कृष्ण का जन्मस्थली दर्शन करेंगे और वहां से दर्शन करके गोकुल में ही जसोदा मैया ने कहा है कि हमारा निमंत्रण है तुम लोग वहीं पर प्रसाद पाना, तो वहीं पर हम लोग प्रसाद पाएंगे। और फिर वहां से चल करके रावण में राधिका जी का जन्मस्थल लघु वन का दर्शन करके मथुरा में शाम को लौटेंगे। ये प्रोग्राम है। अभी ये बतलाएंगे अंडरस्टूड यू या नहीं? कोई भी बात नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो वहां पर सब सामान कौन देखेगा? बंदर सब मनुष्य नहीं, संभव असंभव है, बहुत मुश्किल होगा। Thank you.
Then Sanatana Goswami came to Kashi and he was in the scene. He went to the house where Mahaprabhu was staying and he was at the door. He did his pranam over there and Chaitanya Mahaprabhu, who is omniscient, he came to know that Sanatana has come. He asked Chandrasekhar that go outside and one Vaishnava is waiting for me, bring him in. When he went, he did not find any Vaishnava. According to him, Vaishnava means he must be having tilak and all this Vaishnava dress. He came back, there is no person, no Vaishnava there. Mahaprabhu said, no, there is a person outside, you can't see him. Yes, there is a person, he is Muslim saint, there is. But he is not Vaishnava. No, he is Vaishnava, Pali. And hence, this was the meeting of two devotees. Chandrasekhar was thinking, how come one Muslim saint and one sannyasi, they are embracing each other. But he could not understand that how advanced devotee is. Sanatana Goswami was, he was not Muslim. Then Mahaprabhu Sanatana Goswami asked. There is an exchange of Mahaprabhu gave him shiksha, instruction. Who am I? Why I am having material pain? And how can I be relieved from it? And then Mahaprabhu, the first instruction Mahaprabhu is that you are not this body. You are conscious soul. And your internal constitutional position is that you are servant of God. So the first instruction is that don't try to identify yourself or your body with your body. Your real identification is that you are spiritual soul and servant of God. राधा कुंडम की गर्मा राधा मातुवासम रातो दश प्रतिपया सिंगुलम संन्दोष्मी पंचाकल प्रतरुग्यच कृपासिंधु भये मर्या पतितानं पावयेद्यो वैष्णवेद्यो नमो नमो बताया
ये किस प्रकार से यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा और किस प्रकार से कृष्ण उस लीला में से होते हुए भी जमदग्नि का उद्धार किया और उनको प्रेम भक्ति प्रदान किया। इस प्रकार से अपनी लीलाओं के द्वारा सुख को समझ स्वाभूषण अपने गोपपल्ली को घोष कर गोपल्ली को अपनी लीलाओं के समुद्र में निमज्जित कर रहे। ऐसी ऐसी एक ही दो लीला नहीं सभी नई नई लीलाओं के समुद्र में समस्त घोष वासियों को निमज्जित कर रहे। घोष माने क्या है? घोष माने एक और भी होता है जोर से घोष कर घोषणा कर। ये घोषणा करते हैं देखो अपने ऐसे ही भक्तों को अपने लीला रूपी मधुर समुद्र में अमृत समुद्र में निधि वर्जित करता हूं दूसरों को नहीं। इतिक स्वामीदास भी लीला भी नंदन लीला भी रानंद ऐसे ऐसे एक दो ने कृष्ण अभी छोटे छोटे अढ़ाई तीन वर्ष के बच्चे अभी नंगे हैं कई इष्ट पुरुष बड़े सुंदर बलदेव जी भी बड़े सुंदर कृष्ण भी बड़े सब पल्ले की मोहल्ले की महिलाएं वो माता वो सब वहां पर उनके घर में आ जाती है इंकार कर कोई कृष्ण का पक्ष ले लिया कोई बलदेव का पक्ष ले लिया है। ये बलदेव कृष्ण से बहुत अधिक बलवान कहता नहीं नहीं ये नहीं कृष्ण ही बलवान। अच्छा बलदेव दोनों मल कृष्ण करके देखे जो कौन है तो कृष्ण पक्ष वाली का भी है यदि कृष्ण जीतेगा हम इसको हाथ में लड़ सकते और उनके वाली कारण है कि यदि बलदेव जीत जाएगा तो इसको लड़ूंगे बस लड्डू के लोभ से दोनों ताल खोप करके जैसे लड़ते हैं ऐसे ताल और ऐसे परमाणु जैसा मल्ल युद्ध जैसा करते हैं वैसा ही करके और लड़ने कभी ऐसे मालूम हो गए अभी बलदेव कृष्ण को पछाड़ेगा जो भी नीचे ले जाता है ले जाने की चेष्टा इतने में कृष्ण ने ऐसे दाव मारा कि बलदेव की एकदम लड़ कर और उल्टे उल्टे गिरे इनके गिरे नहीं एकदम खड़े हो गए सब लोग ताली बजा रहे। इस तरह से दाव के बचपन से अभी अढ़ाई तीन वर्ष के देता मल्ल कभी बलदेव जी नीचे आ गए कृष्ण दोनों का आश्रम इस प्रकार से सब तालियां बजा के यदि कृष्ण नीचे गए तो बलदेव वाली और कभी कभी कृष्ण वाली इस प्रकार से लीलाओं के रस में निमज्जित कर देते सब लोग शुद्ध बुद्ध छोड़ करके और घर की बातें छोड़ करके बस खुशी में निमज्जित हो जाते हैं उन लीलाओं और जब घर जाते हैं तो क्या करती है इन्हीं लीलाओं का मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि ये अंग्रेजी की जरूरत था कुछ बात था तो महाराज जी ने बहुत बंगला में बोला और तुम बंगला में समझने शुरू करने इस तरह का दूसरा जो सत्ता रस इसी भी स्वाद लाते आनंद लगते हैं Yesterday, Gurdjieff had explained
from the commentary of Srila Siddhanta Goswami how Yashoda Maya has bound Krishna and Krishna has liberated the Yamuna Arjuna priests and given them brain. So here in this verse it says, Iti drit swalilabe anandakunde swagosham nimajantam akyapayantam. By such very beautiful pastimes, as we have heard yesterday, swagosham, Krishna, he is immersing his village, the people of his village, gopis and gopis, that's called swagosh, in the very deep pools of ecstatic love. And another meaning, swagosh, gosh means to very loudly proclaim the glories of these pastimes and the praise of the great vases, proclaiming this by such pastimes. So now, Srila Guru is describing how Krishna and Balaram, they became about 3 years old, and both of them would be running here and there, quite naked, and they were very, very beautiful in their appearance. Every day, the various elderly gopis of the Gokul, they would come to the house of Nanda Baba to see the very beautiful babies Krishna and Balaram. So sometimes when they would come, then the elderly gopis, they would form two parties, two sides. One would be the party of Balaram and one would be the party of Krishna. And they would incite them to wrestle. One party would say, oh, Balaram is very strong. We think that he's stronger than Krishna. And the other side would say, no, Krishna is very strong. We think he's stronger than Balaram. So then to incite Krishna and Balaram to wrestle with each other, to decide this matter, they would say, oh, we'll give you a ladu. We'll give you a ladu, and you can show us how you're stronger than Krishna. Like this. So just like ordinary children being greedy for a ladu, then they would begin to fight with each other. And as they were wrestling, then sometimes Balaram would be in the predominant position, and he would be forcing Krishna, and Krishna would be down. And then just about when Krishna was about to go on the ground, then Krishna, he would do another move, and then Balaram, he would be underneath, and Krishna would be on top. And in this way, they showed such great skill in wrestling with each other. And at the time when Krishna was being defeated and Balaram was in the superior position, then the gopis on the team of Balaram, all they would laugh and clap, and they would encourage Balaram. And then when Krishna would do another move, and then Krishna would be in the dominating position, then the gopis on Krishna's side, oh, they would clap and they would laugh and say, oh, Krishna is defeating Balaram. In this way, all the residents of Vrindavan, they would forget everything and become completely drowned in the Ananda Kunde, the pools of bliss, by the sweet pastimes of Krishna and Balaram. Also, the meaning, Shakusha. कृष्ण ये घोषणा करते हैं इनके यहाँ तद विधान जो उनकी महिमा को जानते हैं कृष्ण की महिमा को उनके ऐश्वर्य को जो समझते हैं कृष्ण की महिमा को समझते हैं उनके अंदर ये घोषणा करते हैं हमारे गोप और गोपियों जैसा हो कोई विश्व में सूर्य नहीं है उन्हीं के सामने ये लीलाओं को इस चीज को घोषणा संविधान संविधान मैंने ऐसे जो ये जानते हैं कि ये गोप गोपियों के ही बसी भूत है और ऐसी लीला ब्रज में ही संभव है और दूसरी नहीं वो जानते हैं ऐसे लोगों की महिमा भी सुबह करने के लिए नंद बाबा ऋषो का और धोनी मीडिया इत्यादि के इनके जैसा भी सुबह में कोई भी शोभा जवान नहीं है मैं ऐसे लोगों के बसे पूछ हूं इन लोगों को बताने के लिए घोषणा कर रहे हैं इसलिए वो सही कैसी कैसी लीलाओं की देखो एक साधारण लीला के कारण जो गोप गोपियों को तो छोड़ दो
एक समय एक मथुरा की शादी करेंगी अपने टोकरी में पीले पीले आम पीले लाल आम अमरूद और दूसरे दिन से फलों को भर करके चली गई। कहीं से सुन रखा ये नंद को ये लाला हुआ बड़ा ही अलबेला और सुंदर और तो कुछ बड़ा हो गया है इसे उसका दर्शन करा। बहुत लोभ से कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंदलाल का दर्शन करने के लिए सोचे जमुना नदी को पाकर गोकुल के नंद भाग में हो और वहां कृष्ण दर्शन करने के लिए लालाय छोड़ करके उनके घर के आस पास ही बोकरने लगी। आम लोग अमरूद लो केले लो लो पटा के फल ले लो बड़ा दुभावना जानकारी नहीं होगा और काली काली रस भरी जामुन ले लो रस भरी के जैसे बच्चों के जीन में पानी आ जाए सुन करके और बच्चे अपनी मैया से कही मैया हमको फल ला दे इसलिए जो जो से बोले रहे किंतु आई थी इसलिए कृष्ण का दर्शन करने के लिए इसलिए धीरे 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 वो उनका फल्लो फल्लो ये करने करते 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 वो बदल गया और टोकरी जो पकड़ी थी वो भी छूट गई। गोविंद लो माधव लो दाम हो गया भूल गई वो। जानते हो कि गोपियां हैं या महिलाएं हैं विशेष तरह की वृद्ध की महिलाएं एक खड़ा दो खड़ा तीन खड़ा चार खड़ा दस खड़ा और उसको पकड़ना नहीं है वो चल रही है ऐसे ऐसे चल रही है और वो खड़ा उसके सिर पर है। तो वैसे इन लोगों को जड़ियों के लिए फल बिक्री के लिए टोकरी को पकड़ना जरूरी नहीं हो सके। गोविंद लो मानो लो दाम होकर लो इस प्रकार से होगा ही एकदम परसन है। तो कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया सारी भी घूमते हुए थक रही थी तो आज कृष्ण को दर्शन नहीं दिए साधारण लोग दर्शन नहीं दे लौट गए दूसरे भी कहे आज कल दर्शन नहीं हुआ तो अपने प्राणों को छोड़ करके चली आऊंगी इस बार दर्शन जरूर करना है। आज के हमी ठीक होना प्राण का होगा ना लेते आज को आज के मुझे चले आएगी सॉरी किंतु आज के दर्शन मत करते ही एक दिन दृढ़ संकल्प करे थे दू आ जाए जब तक साधन में ये भावना नहीं आएगी और सारी जितनी भी आकांक्षाएं जगत की है उन सबको छोड़ करके अब हमको कृष्ण को आकर्षण करना है हमको साधन ऐसा करना है साधक हृदय में ऐसी यदि भावना है तब तो भय होगा और नहीं गाल बजाएंगे हंसेंगे दोनों काम करेंगे विषयों का भोग भी रहेगा और भजन भी करेंगे ये नहीं होगा हम लोगों का भी काम नहीं हो पाएगा पूरा सुख ऐश्वर्य भोग हमारा बचा रहे हमारा पैसा कपड़ में ठीक रहे एक पैसा अच्छा चला हो फोकस में हम जाकर के कर भी आए भजन और वृंदावन की परिक्रमा भी कराए और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे और हमारा भोग भी ठीक रहे। हम जानते हैं जिसे ऐसा कोई भ्रमण जाए हम लोग में नहीं होगा जो 10-20 हजार 5-10 यहाँ तक कि और भी रखा हो हमारा होना ठीक रहे सब उनके महाराज जी के घाट बन जाए और हमारी परिक्रमा हो जाए भजन भी ठीक रहे और हमारा ये भी सुरक्षित रहे भजन का ये तरीका नहीं समझ लो यहाँ पर समझ गए मनी भूल के महाराज जी ठीक रहे और हमको कुछ नहीं रह अध्ययन यहाँ से पाठ से समाप्त होकर के गए बसते कुकुरे देख 10 मिनट भी आगे दिए सीधा परिचय
जल्दी होगा तो होगा उस फल निगरानी के समान बनो। उसका किसी से कोई भी संबंध नहीं है। हमारा बेटा है, हमारा भैया है, मुझे भक्त है, हमारे को यशम है, ये कोई भी संबंध नहीं है। एक साधारण लोग दे दो, कहीं से दीक्षित भी नहीं हुई, हरिनाम भी नहीं किया, इनको है तो आपके मातृमंडल की आज संकल्प कर। ऐसे हम लोग भी संकल्प कर सकते हैं। आज से हमने सारे संसार की आकांक्षाओं को छोड़ करके आज से संपूर्ण से गुरु पर और ब्रह्म वैष्णव के अंदर जो प्रकाश भगवान का भजन आरंभ करते हैं। टू बार का ऐसा किसी का तो ये श्रम का मेरा था। अभी पूज्य पात्र जी को महाराज जी बोल गए क्या श्रम का फल क्या है? सनातन गोस्वामी तस्करा क्या कर दिया?